जैसा कि इस फिल्म का नाम है राजधानी एक्सप्रेस, ट्रेन से जुड़ी हुई ये फिल्म बहुत सारे सिग्नल्स पर, बहुत सारी रेड लाइट्स पर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स पर रुकती रही और फाइनली आज रिलीज हो रही है। हाँ, इसके श्रेय जाता है फिल्म को बनाने वाले अशोक जी, जो कि फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं, जिन्होंने अपना सक्सेसफुल लॉयर का कारोबार छोड़कर इस फिल्म के पीछे लग गए। वन ऑफ द नाइसेस्ट पर्सन दैट आई हैव वर्क्ड विद, जिन्होंने अपनी मेहनत को और अपने पैशन को छोड़ा नहीं, उनके साथ ही छोड़ गए, फिल्म के कलाकार छोड़ गए उन्हें। कलाकार कभी जैसे वो अपने गेम में बॉल को इधर फेंक देते हैं तो बॉल उनकी नहीं रही, फिर वापस आ जाती है, ऐसा भी हुआ। एंड इवेंचुअली आज उनकी जो फिल्म के प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्टर मिस्टर अशोक है, उनकी फिल्म के प्रति श्रद्धा, फिल्म के प्रति पैशन की वजह से ये फिल्म आज रिलीज हो रही है। वरना ऐसा लग रहा था कि शायद फिल्म पता नहीं कब रिलीज होगी। सबसे पहले मैं राजधानी एक्सप्रेस की टीम को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं, और एक से एक कलाकार हैं इस फिल्म में, और सबसे बड़ी बात यह है कि इंटरनेशनल प्लेयर जो हमारे लिंडर पेस जी हैं, और वो फर्स्ट टाइम इस फिल्म में हीरो तो है, रियल लाइफ में अपने फिल्म के हीरो हैं इंटरनेशनल लेवल के, और इस फिल्म में भी वो पहली बार आ रहे हैं, तो एक ऐसा लगता है कि जैसे वो लॉन टेनिस प्लेयर में छक्के पे छक्का मारा है, तो ये फिल्म में भी वो आके छक्का मारेंगे। For me, playing Keshav was very difficult. I had to forget about Leander the athlete, I had to forget about Leander the person, and take on a common man who was dealing with social situation where life was just really hard. Dono mein, you have to work really hard as a tennis player and as an actor. I've got a really newfound respect for all the actors, for the amount of hard work that they've put, the amount of passion that they've lived as actors. And also the passion that they've had for creativity to the art of storytelling. So for me, it's really wonderful to finally see a movie where I spent 2 years working on Rajdhani Express and working with some wonderful actors who have worked really hard. To me, I think any project is about all the people that are involved with the project. Our director Ashok Kohli, our producers, राजेश पटेल, मनोज केजरीवाल, रितिका कोहली। अच्छा लग रहा है बहुत। राजधानी एक्सप्रेस फाइनली अब रिलीज के कगार पर है और कल से थिएटर्स पे आ जाएगी, और उम्मीद करता हूँ कि दर्शकों को एक नए किस्म की फिल्म देखने का मौका मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, फिल्म में हमारे देश के प्रमुख टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस का एक डेब्यू है, तो आशा करता हूँ सब लोगों को फिल्म पसंद आएगी। हमारे रितेश नलिनी जी ने बहुत खूबसूरत संगीत दिया इस फिल्म में, और मेरा एक गाना है इसमें, करते हैं दिल से आपको हम प्यार किस तरह, है कश्मकश करें मगर इजहार किस तरह। भाई बेटो फटाफट, नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी, भाई आ जाओ। थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीबडीज सपोर्ट, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सी एवरीबडी इन द ऑडिटोरियम टुमारो टू वॉच अवर एफर्ट्स एंड अवर मूवी। सर कॉम्प्लीमेंट तो अपने लोग देते ही देते हैं, और प्रोमोस भी लोगों को अच्छे लगे हैं, आई बिलीव जेनरली अच्छे लगे हैं। ट्रेलर के इंडिपेंडेंट ऐसे लोगों से कमेंट आए हैं, एंड आई होप दैट आवर लेटर मीट्स द एनवलप। सिर्फ एनवलप ही अच्छा ना हो, कंटेंट भी अच्छा हो, दैट्स व्हाट वी आर होपिंग फॉर।